मुझे भाग गई है सारंगी मुझे अकेला छोड़ के। अच्छा तू भी दबा दबा वरना ये बालवीर बचा देगा तुम्हारी पंगी। तबा 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 रुक जाओ। अरे है नहीं रुकने वाला ये तोबा तोबा। अरे गया बस तू तोबा तोबा। ये लीजिए रानी परी और भटकाती परी बच्चों के कुछ और पत्र। खुश रहो डूबा डूबा खुश रहो। खुश रहो परियो खुश रहो। परियो बच्चों के एक भी पत्र नजर नहीं आ रहे आखिर ये सब पत्र गए कहाँ? रानी परी वो देखिए। अरे वाह परियो हेका निकाला आप सबने अच्छा मार्ग बच्चों के पत्र को परीलोक के आसमान में सजाने का। सचमुच ये कितना अद्भुत दृश्य है अति सुंदर। हाँ रानी परी जिन जिन बच्चों ने अच्छे कार्य किए हैं उनके पत्र हमने सितारों में बदल दिए हैं। शाबाश परियों शाबाश आपने सचमुच बहुत अच्छा कार्य किया है। आपको पता है परियों आपके इस कार्य से बच्चों का प्रोत्साहन और बढ़ेगा। अब इन बच्चों के अच्छे कार्य इन पत्रों के रूप में परिलोक के आसमान में जगमगाएंगे। तुम्हारे पापा मैंने जो सामान लाने के लिए बोला था वो लाया। सामान कौन सा सामान? मुझे कोई सामान याद नहीं है। बाबूजी स्मिता बाबूजी मुझे ऐसा लग रहा है कि मानव मेहर की तरह रॉकी की याददाश्त भी चली गई है। मैं चेक करता हूँ। रॉकी बेटा है? मैं कौन हूँ? अमृत लाल टगली। तो सब याद है? कहाँ याद है मुझे कहाँ याद है। बापू जी आपने क्या पूछा कि मैं कौन हूँ? उसने क्या बोला कि अमृत लाल टगली मतलब वो भूल चुका है कि आप उसके बापू जी हैं। नहीं नहीं मैं कुछ नहीं बोला मुझे सब याद है ये हमारे बापू जी हैं। तो फिर सामान क्यों भूल गया? वो मैं सिर्फ सामान बोला बाकी सब याद है। महेश तू भी ना हमेशा भूल जाता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम रॉकी को कुछ काम मत दो। तुम्हें देना हो तो मानव मेहर को दो वो नहीं भूलते। पर अभी तो हम भी सब कुछ भूल गए हैं ना। बेटा भैया तुम लोग भूल गए हो लेकिन हम लोग तो तुम्हें नहीं भूले हैं ना। हाँ बेटा देखो कुछ बातें ऐसी होती है जो हम भूल जाते हैं कुछ ऐसी होती है जो हम हमेशा याद रखते हैं है ना बापूजी। हाँ देखो मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ कि मुझे डायबिटीज है और लड्डू खा लेता हूँ। आप लड्डू खाना नहीं भूलते हैं पर डॉक्टर ने आपको लड्डू खाने से मना किया है वो आप भूल जाते हैं। ए बच्चों अरे छोटा छोटा क्या हंस रहे हो खुल के हंसो जोर से हंसो। क्योंकि तुम लोगों के पास बीबीबी है बीबीबी बच्चों को बचाने वाला बालवीर। और जब तक बालवीर है तब तक बच्चों का बाल विवाह कहानी होगा है ना। तौबा तौबा अगर तुमने बच्चों को ठीक करने का उपाय नहीं बताया तो हम अपने जादू से तुम्हें उल्लू बना देंगे। हाँ और इसे बिजली के झटके देकर इसकी बुराई अभी निकालेंगे। पर
अगर इसने बच्चों को बचाने का उपाय नहीं बताया तो नहीं, अरे बताओ मैं तुम्हें कितनी बार के नहीं बता मुझे कुछ भी, अरे है पता सिर्फ उस सारंगी परी को कि होंगे कैसे ठीक बच्चे, पर है वो बड़ी पुष्ट नहीं बताई कि किसी को बच्चों को ठीक करने का उपाय, अरे दीजिए छोड़ मुझे। बताएगी, जरूर बताएगी। बच्चों को ठीक करने का उपाय तो सारंगी परी से तौबा तौबा ही उगलवाएगी। बालवीर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? तौबा तौबा बुराई का रक्षक, तो भला वो सच्चाई का साथ क्यों देगा? हाँ बालवीर, रानी परी बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तौबा तौबा कभी कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। नहीं परी, सारंगी परी के पास तो ये तौबा तौबा ही जाएगा, लेकिन वो ये दुष्ट तौबा तौबा नहीं होगा, बल्कि हमारा सच्चा और अच्छा डूबा डूबा एक होगा, जो तौबा तौबा बनकर सारंगी परी के पास जाएगा, अपनी बातों में उसे उलझा कर सारा सच उगलवाएगा। नहीं, नहीं। अरे वाह बालवीर, है ये तो बहुत ही अच्छा विचार, सच्चाई की सेवा करने के लिए हूं मैं सदैव तैयार। शाबाश डूबा डुबाए, शाबाश। अब हम आपको तौबा तौबा बनाकर उस दुष्ट सारंगी परी के पास भेजेंगे। मानव बेटा, वहां आरती की किताब पढ़ी, लेकर आ जाए। बाबूजी को गिरा क्यों दिया? अरे वो तो मुझे इन्होंने कहा था। हा? क्या, मैंने कब कहा? मानव झूठ मत बोल, मैंने तुम्हें किताब लाने के लिए कहा था। तो ये किताब नहीं है? सॉरी, मेरी वजह से ये गिर गए। कोई बात नहीं है बेटा, जाओ बैठो। स्मिता माम, बच्चे तो चीजों के नाम भी भूल गए हैं। बच्चों की याददाश्त तो बालवीर वापस लेकर आएगा, पर तब तक उनकी ये मायूसी नहीं देखी जाती। माँ, हम एक काम करते हैं, हम लोग बच्चों को ये महसूस होने ही नहीं देंगे कि उनके साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेंगे, है ना? बालवीर चिल्लाता रह गया, सारंगी सारंगी और सारंगी दुआ बन के चुमंतर हो गई। बड़ा आया था, मुझे कैद करने चला था, उसे क्या मालूम मैं वो बुराई हूं जो किसी भी सच्चाई या अच्छाई के हाथ में नहीं आ सकती। भयंकर, खुश हो। देखो अब कमाल डूबा डूबा एक की अभिनय का। हाँ, जिलाओ, सुनाओ और सुनाओ जी भर के अपने बहादुरी के किस्से परी भयंकर को, और साथ में ये भी बताओ कि आई कैसे छोड़ के अकेला इस महान योद्धा श्री श्री तौबा तौबा जी को। अरे बताओ क्या, मैं वो आया मैं कैसे कैसे बच के बालवीर और परियों से यहाँ पर। परियों से? ये परियां कहाँ से आ गई? पर
परी लोक से? और कहां से? अरे जाने के बाद तुम्हारे आई थी सारी परियां वहां पर, है लगता मुझे वो भी वो अब भी वहीं पर तुम्हारे रंग का कोड निकालने के लिए, ताकि मिटा सके तुम्हारे रंग का असर बच्चों के ऊपर से। वाह डूबा डूबा एक वाह, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस इसी तरह इस दुष्ट सारंगी को अपनी बातों में उलझा कर रखिए। भीड़ इकट्ठी करने से कुछ नहीं होगा तौबा तौबा, कितनी भी कोशिश कर ले बालवीर और परियां मेरे रंग का तोड़ नहीं ढूंढ सकती। कोई भी मेरे रंग को मिटाने का उपाय नहीं ढूंढ सकता। अरे मत बोल बड़े बड़े बोल सारंगी परी, वरना पड़ जाएंगे लेने के देने। अरे नहीं जानती तुम बालवीर और परियों को? थे वो बहुत गुस्से में, हाँ कह रहे थे कि मिटाई देंगे तुम्हारे रंग लोग। क्या क्या किया मेरे रंग लोग को? रानी परी, ये सारंगी परी तो रंग लोग के बारे में बहुत चिंतित हो गई। उसे देखकर लग रहा है कि ना मिट रंगे फूलों से बने हुए रंग को मिटाने का उपाय रंग लोक में ही। हाँ बालवीर, हमें भी यही लग रहा है। कैसे निकलूं, कैसे यहाँ से करने के लिए सावधान परी भयंकर को और सारंगी परी को, क्योंकि है संभव बाल परी के इन बालों की कैसे आजाद होना। करूं क्या, करूं क्या, क्या भी मुझे उपाय, क्यों करता मैं नाटक बेहोश होने का। अरे अरे ओ रहा है ये क्या मुझे, वो क्यों रहा है मेरा सर, लगता होने जा रहा हूँ मैं बेहोश। अरे लगता हो गया ये बेहोश बंधे हुए की वजह से, तो क्या करे, खोल दे क्या इसे, शायद फिर से आ जाए होश में। आने पर होश में भाग गया तो? अरे कैसे भाग पाएगा, इसकी होश में आने से पहले इसे कर देंगे कैद खाने में बंद। तो ठीक है, कर दो इसे आजाद परियों के दिए हुए जादुई डंडे से। डूबा डूबाओ, खा गए ना धोखा। अरे पकड़ो डूबा डूबा, बोलो कुछ बोलते क्यों नहीं, कहीं उन्होंने मेरे रंग लोक को नष्ट तो नहीं किया? नष्ट तो है किया उन्होंने। क्या कहीं उन्होंने मेरे नाम में रंगे फूलों के पेड़ को नष्ट तो नहीं किया? इतना तो नहीं देखा मैंने ध्यान से, लेकिन कर रहे थे वो वार पे वार। हो गया होगा तुम्हारा पेड़ नष्ट किसी के वार से? नहीं, अगर वो पेड़ नष्ट हो गया तो मैं नाम में रंगे फूलों का रस कहां से लाऊंगी? रानी परी, सारंगी के बनाए हुए रंगों का असर खत्म करने का राज जरूर रंग लोक के किसी वृक्ष में ही होगा। हाँ बाजी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये राज क्या हो सकता है? परियों, अभी पता चल जाएगा। ये डूबा डुबाए सारंगी परी से किसी भी तरह बच्चों को ठीक करने का उपाय उगलवा कर ही रहेगा। डूबा एक, वो करता अभी मैं तुम्हारा पर्दा फाश। वैसे करोगे क्या आप तुम उस रस का? हो तो चुका है तुम्हारा काम, मिटा तो चुकी हो तुम सारे बच्चों की यादें। नहीं,
पृथ्वी के एक एक बच्चे की याद मिटाने के लिए मुझे बहुत सारा रस चाहिए, बहुत सारा। और क्या होगा, कोई और भी छोटा मोटा नुकसान उस पेड़ के नष्ट होने से? छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर वो पेड़ नष्ट हो गया तो रंग का असर दूर करने का उपाय मिल जाएगा, क्योंकि उस पेड़ की रात से ही बच्चों पे किए मेरे जादू का असर हटाया जा सकता है। सुना तुमने? चलिए रानी परी, परियो हमें अभी के अभी रंग लुक जाना चाहिए। हाँ रानी परी, हमें तुरंत ही रंग लुक पहुंच जाना चाहिए। हाँ बाल परी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलिए परी। सत्यानाश नहीं हो सवा सत्यानाश। गए फस तुम परियों के जाल में। देखिए, लगता है वही वो वृक्ष है। हाँ बालपरी, यही वो वृक्ष है। परियों, हमें इस वृक्ष को नष्ट करके जलाना होगा ताकि हमें इसकी राख मिल सके, क्योंकि इसकी राख ही बच्चों को ठीक करने में हमारी मदद करेगी। ये महान योद्धा तोबा तोबा इस पूरे ब्रह्मांड में। अरे है ये तो मेरा जुआ भाई डूबा डूबा एक, जिसने है धर लिया मेरा रूप। जिंदगी में पहली बार सही पहचाना मेरे जुड़वा भाई तोबा तोबा। हूँ नहीं मैं चतुर चालाक और तुच्छ तोबा तोबा, हूँ मैं सच्चा और अच्छा वफादार सेवक परिलोक का डूबा डूबा एक। चलता अब मैं, क्योंकि हो गया मेरा काम पूरा। नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते और ना ही परियों को कुछ बता पाओगे। बताऊंगा, बता चुका हूँ। हाँ, ये देखो। इस यंत्र की मदद से देखा और सुना परियों ने वो सब जो कहा था थोड़ी देर पहले आपने। अरे अब तक तो जला भी दिया होगा वो पेड़, ताकि मिल जाए उन्हें बच्चों को ठीक करने वाली राख। नहीं, इतना बड़ा धोखा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.